So at every level, you are stuck because of the circle of complexity. Okay? और ये complexity, circle of complexity है. एक level पे आके हम लोग रुक जाते हैं. अगर आप देखेंगे बहुत सारे एजेंट करोड़पति होते हैं, फिर करोड़पति 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 नो. कुछ एजेंट एमडीआरटी, फिर वो एमडीआरटी एमडीआरटी एमडीआरटी, कुछ फिर सीओटी करते हैं तो सीओटी का लेवल. तो इसको सर्कल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं. एक लेवल पे आके वी स्टार्ट हिटिंग द सीलिंग और फिर वहां से हमारा सीलिंग है. तो अभी इसको कैसे अवॉइड करना है, यू नो व्हाट डू यू नीड टू डू टू गेट आउट ऑफ दिस. अगर आपका ऐसा हो रहा है कि ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर 5, 7, 8 ईयर्स इफ यू आर गिविंग द सेम आउटपुट देन समथिंग नीड्स टू बी डन. ओके, तो सबसे पहले आपको आपका प्रोड्यूसर मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. सेकंड, आपको आपका पूरे वीकनेसेस को डेलीगेट करना पड़ेगा. ओके, आपके सब वीकनेसेस को डेलीगेट. अगेन प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू आर रीचिंग द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, व्हेन यू आर रीचिंग द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत एक अमेजिंग थिंग हैपेंस. व्हाट इज दैट? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एजेंट हु हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग. ओके, तो जब वो जस्ट शुरू करता है अपनी इंश्योरेंस का करियर, तो एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर या इवन एज अ कोच, मैं उसको कहूंगा यू शुड डू एवरीथिंग योरसेल्फ, यू नो, फिल द फॉर्म, डू दिस, गो टू द ब्रांच, पे द प्रीमियम, डू दिस, एवरीथिंग ही हैज टू डू. व्हाई? क्योंकि उसको पूरा ये सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए. बट वो करते 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 उसका वो स्ट्रेंथ बन जाता है एंड ही स्टार्ट्स लविंग, फॉलिंग इन लव विद व्हाट ही इज डूइंग, एंड देन ही कैन नॉट डेलीगेट, क्योंकि उसको लगता है मैं ही सबसे अच्छा काम करता हूं. या वो आदमी रखता भी है तो ही इज नॉट एबल टू, यू नो, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी दैट पर्सन वर्किंग लाइक व्हाट ही कैन डू, सो ही कीप्स कमिंग बैक एंड डज द वर्क हिमसेल्फ. तो क्या होता है, आपका जो ओरिजिनली स्ट्रेंथ था अभी वो वीकनेस बन गया. दैट इज नाउ योर वीकनेस. योर एबिलिटी टू फिल द फॉर्म एंड डू ऑल द सर्विसिंग योर सेल्फ इज नाउ अ वीकनेस. तो वो वीकनेस आपको डेलीगेट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्टार्ट गेटिंग न्यू स्ट्रेंथ. देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन डेवलपिंग न्यू स्ट्रेंथ एंड देन ओनली यू कैन मूव टू द सेकेंड लेवल. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्टक है तो फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच यू आर स्टक. देयर शुड बी डेफिनेटली सम, यू नो, कुछ आपका ऐसा जो हैबिट्स है जो आपके वीकनेस बन रहे हैं. And that is not allowing you to go to the next level. So now we go to the second part of our talk, which is basically understanding what is target marketing. Okay, so target marketing kya hai? Jaise maine kaha, if you are a vendor or if you are a provider to every Tom, Dick and Harry, you will not make much in life. Okay, you will not be able to move beyond a certain point. तो ये आपको स्पेशली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यह समझना बहुत जरूरी है. तो ये टारगेट मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग वेरी क्विकली बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको देना चाहता हूं और ये है, वेरी क्विकली राइट डाउन. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ योर, यू नो, लिस्ट ऑफ 5 क्लाइंट्स. जरा आप लोग जरा क्विकली इमीडिएटली ध्यान में ला के आ करो, राइट डाउन 5 क्लाइंट्स हु आर वेरी प्रॉफिटेबल. ओके, जिसमें आपको कम समय सर्विसिंग में लगता है, उसका रेवेन्यू ज्यादा आता है. ऐसे 5 लोगों को आप लिस्ट करो क्विकली, राइट डाउन 5 नेम. इट्स वेरी इजी टू यू नो नोट डाउन हु आर दोस 5 क्लाइंट्स हु आर टॉप वेरी हाईली प्रॉफिटेबल. क्योंकि क्लाइंट है ना, 3 प्रकार के होते हैं. एक दुखी आत्मा क्लाइंट होता है, यू नो, हु इज अ दुखी आत्मा क्लाइंट. उसको आप कितना भी सेवा दे दो तो भी वो रोते रहता है. देन देयर इज अ न्यूट्रल क्लाइंट. न्यूट्रल क्लाइंट मतलब वो क्लाइंट वो है जो ज्यादा खुश भी नहीं होगा और ज्यादा नाराज भी नहीं होगा. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ, व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्लाइंट, फिदा कस्टमर. ओके, थर्ड टाइप ऑफ क्लाइंट इज कॉल्ड अ फिदा कस्टमर, जिसको आप छोटा सा काम करो बहुत खुश हो जाते. तो आई वॉन्ट यू टू आइडेंटिफाई योर टॉप 5 प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स. ओके, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है वो सबसे कम आपका दिमाग, यू नो, मतलब ही विल हैव वेरी लेस दिस थिंग विद यू. तो वैसे वाला 5. ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ 5 क्लाइंट्स विथ होम यू लाइक वर्किंग.
यू नो आपको बहुत मजा आता है यार, इसके साथ काम करोगे बहुत धमाल, मस्त है ना, मस्त लगता है, यू नो आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा जमता है ना, वैसे पांच लोगों का नाम लिखो। अभी क्या करो कि अगर दोनों ये पांच पांच का लिस्ट आपने बना लिया है, अंडरलाइन द कॉमन क्लाइंट्स, दोनों लिस्ट में कोई नाम आया है उसको दोनों, इज देयर एनी यू नो नेम फ्रॉम दैट, जो दोनों लिस्ट में है। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑल फाइव नेम्स इन बोथ द लिस्ट? ऐसा है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट। डजंट हैपन जनरली बट यस, ओके राइट। फोर नेम्स कॉमन, थ्री नेम्स कॉमन, ओके वेरी गुड। नाउ व्हाट आई हैव जस्ट आस्क्ड यू टू डू इज बेसिकली हु कुड बी योर टारगेट क्लाइंट्स, हु कुड बी योर टारगेट मार्केट, ओके, बिकॉज द टारगेट मार्केट हैज टू क्राइटेरिया, यू नो क्लासिफिकेशन, टू थिंग्स दैट आर देयर। वन इज दैट वो जो क्लाइंट है वो प्रॉफिटेबल होता है, सेकेंड वो जो क्लाइंट है उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है, ओके। सो अल्टीमेटली व्हाट्स योर टारगेट मार्केट? योर टारगेट मार्केट इज दैट आपका जो टारगेट मार्केट का जो नीड्स है, जो पेन्स है, जो जॉब्स है, जो भी उनका नीड्स है, पेन है, रिक्वायरमेंट है, उसके सामने आपका खुद का स्किल्स अगर वो मैच होता है तो देन इट बिकम्स अ टारगेट मार्केट फॉर यू। सो योर स्किल्स, योर कैपेबिलिटीज हैव टू मैच द नीड्स एंड पेन्स ऑफ द टारगेट सेगमेंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यू नो, बट दैट इज व्हाट इट इज, बट सो लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर सिंपलर, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, आर यू एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर, आर यू एन एंटरप्रेन्योर, क्या हुआ? You know, this is the first question you need to ask. Are you an agent? Are you self-employed? Are you an entrepreneur? Are you a businessman? Because each of this answer will you know throw up a very different thing, which will then make you understand ki aap producer kyun baithe, you know, why are you a producer? You know, so are you an entrepreneur with a specialization in insurance? क्योंकि आपका इंश्योरेंस एजेंट बिकम्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, हर रोज सवेरे वो जाता है दो पंच और एक लंच करके फिर घर पे आता है, यू नो जो जॉब वाला रहता है वो क्या करता है, दो पंच और एक लंच कर और फिर वो घर पे आता है, वैसे इंश्योरेंस एजेंट भी फिर उसका भी कार्यक्रम ये हो जाता है कि वो जाके दो पंच और एक लंच करके घर पे आता है। देन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर नॉट, यू आर अ प्रोड्यूसर, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, ओके। सो यू हैव टू मेक श्योर that you are an entrepreneur with specialization in insurance, okay, that's the way you should look at it. You should be you know, you will have to change your mindset, or agar aap mindset change karte ho then only it will be easy for you to you know stop being a producer. BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।